खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। प्रकृति का किसी पर जोर नहीं होता है और यही वजह है कि जब फसल नुकसान हो गया है और साथ ही गेहूं में इतनी ज़्यादा बारिश के चलते खराबी देखी जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम हर संभावना मदद करेंगे। शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। शरद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट ले ली और सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ किसान हो रहे हैं, चाहे वो अभी हाल ही में कोरोना को लेकर क्यों ना वो परेशान हो रहे हो, और कई सारी ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर किसान परेशान थे, लेकिन अब भी मौसम के चलते बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है किसानों को मध्य प्रदेश में। देखिए, 46 ऐसे जिले हैं 53 जिलों में से जिसमें भी निसर्ग के चलते बारिश हुई है, बेमौसम यानी प्री मानसून जिसको कहा जा सकता है वो हुआ, उसके चलते जो फसलें थी, जो गेहूं थे जो किसान लेकर पहुंचे थे अलग अलग भंडारण करने के लिए बेचने के लिए, वो पूरी तरह से भीग चुकी है। अब तक तकरीबन 1,25,00,000 के मेट्रिक टन के आसपास गेहूं खरीदा गया है, जिसमें 1,13,00,000 के आसपास मेट्रिक टन जो गेहूं है वो अभी भंडारण कर लिया गया है सरकार के द्वारा, और 12,00,000 मेट्रिक टन गेहूं जो मंडियों में रखा था वो भीग गया है। इसमें तकरीबन 2,00,000 मेट्रिक टन गेहूँ भोपाल उज्जैन में भीगा है, तकरीबन 1,25,00,000 मेट्रिक टन बैरसिया जो भोपाल के नज़दीक एक शहर है वहाँ पर भीगा है। तो ऐसे करके लगातार इन चीज़ों का भीगने का सिलसिला नजर आया। देवास में भी इस तरह की चीज़ सामने आई है। अब इन सब चीज़ों को लेकर सरकार का कहना है कि ये जो धूप निकली है आज या कल की जो धूप निकली है, इस धूप के अंदर गेहूँ सूख जाए, चूँकि एक बार का गेहूँ जो भीगता है वो यदि बारिश भीगता है वो सूख जाने के बाद एक बार फिर से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो नियम कहता है वो नियम यही कहता है कि जब तक भंडारण नहीं होता अनाज का तब तक वो अनाज का उसको भरपाई समिति के द्वारा की जाती है। तो अब जितना भी अनाज खराब हुआ है ये माना जा सकता है तकरीबन 2-3,00,000 मेट्रिक टन के आसपास गेहूँ खराब हुआ है, तो इसकी भरपाई समितियों को करनी होगी, समितियों के द्वारा ही इसका पूरा भुगतान करना होगा। हालांकि सरकार ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया किसानों को किसी प्रकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बात ये भी कही है कि जो गेहूँ लेकर वो अभी तक लगातार आ रहे हैं वो गेहूँ लेकर अब कुछ दिनों तक ना आए, क्योंकि कुछ लॉकडाउन वाले जो संभाग थे उसके अंदर 30 जून तक बढ़ाई गई है म्याद बढ़ाई गई है जहाँ पर गेहूँ खरीदारी की जा सके। तो इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को कि वो गेहूं लेकर बारिश में ना आए, क्योंकि गेहूं भीग जाएगा इससे खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से ये व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में देखेंगे तो एक रिकॉर्ड मेट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है अब तक। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसको देखते हुए भी निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में एक बार फिर से जब जरूरत लगेगी तो गेहूं की खरीदारी की जाएगी, और ये जो गेहूं खराब हुआ है उसको सुखाकर फिर से प्रयोग करने की कोशिश भी की जाएगी। तो क्योंकि बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हुआ है और खराब सूख जाने के बाद एक बार फिर से यूज़ हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है किसानों को भी और सरकार को भी कि गेहूं खराब होने से बचेगा। केंद्र की जो नीति बनी है जो कैबिनेट में मंजूरी मिली है उससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान लगातार उनको जिस तरह से अभी जो मंजूरी मिली है किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं देश भर में, तो वो भी कहीं ना कहीं आगामी समय में जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो फिलहाल किसानों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सरकार का कहना है। लेकिन इन सबके बीच सरकार लगातार ये कह रही है शरद कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की फसल जो है वो बर्बाद ना हो, नुकसान ना हो, और लेकिन इन सबके बीच विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, महज बातें बोल रही है। कोई एक अच्छा मतलब व्यवस्था करना चाहिए, एक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था किसानों के लिए करनी चाहिए। अब जैसे किसान गए अपनी गेहूं को बेचने के लिए तो एक बड़े बड़े गोडाउन की व्यवस्था होनी चाहिए, बड़े बड़े केंद्र बनाने चाहिए जहां पर गेहूं जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इस तरीके से खुले में रहेंगे तो जाहिर सी बात है मौसम है, नहीं पता कब बदल जाए और इस तरीके से फसल बर्बाद होते रहेंगे। देखिए, 1,25,00,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है जिसमें 1,13,00,000 मेट्रिक टन गेहूं का भंडारण किया जा चुका है। दूसरी चीज ये है कि नरोत्तम मिश्रा का जिस तरह से कहना है, जो गृह मंत्री उनका कहना है कि
पूर्व प्री मानसून बिफोर आ चुका है, यानी कि उससे प्री मानसून से भी पहले आ चुका है निसर्ग तूफान की वजह से। तो इसी वजह से जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं एक अनुमान रहता है, साल भर का एक अनुमान होता है, मौसम विभाग का एक सरकार का अनुमान होता है कि इस दौरान तक बारिश नहीं आएगी, इस दौरान तक यदि मंडियों में पड़ा रहता है अनाज तो कोई खराब होने की स्थिति नहीं है। लेकिन एक बड़ी मात्रा में गेहूं को भंडारण किया जा चुका है तो किसान को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है। देखिए विपक्ष का काम है स्वाभाविक तौर पर किसी भी चीज को अपोज करना सरकार की, और आगामी समय में चुनाव भी है तो किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में शुरू से रहा है। कांग्रेस सरकार में आई थी तो किसानों के मुद्दे को लेकर आई थी, किसानों के कर्ज माफी को लेकर आई थी, और गई भी तो किसानों के कर्ज माफी को लेकर ही गई कि किसानों का कर्ज उन्होंने नहीं चुकाया है, और किसानों को लेकर ही बीजेपी भी राजनीति करती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को मिक्स करके देखें तो किसान एक बार फिर मुद्दा चुनाव में बन सकता है। शायद यही वो कारण है कि किसानों को लेकर एक बार फिर से कोरोना और किसान को लेकर मध्य प्रदेश में आगामी समय में चुनाव की रणनीति। क्या लगता है आपको कि उपचुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर क्या रहेगा, किसानों का, कोरोना का, और क्या लगता है कौन से बड़े फैक्टर रहने वाले इस बार? देखिए दो उपचुनाव जो होते हैं वो हमेशा से जो रूलिंग पार्टी होती है वो जीतती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि किसानों की लगभग लगभग सभी फसलें खरीदी जा चुकी है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होगी बेरोजगारी, बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा उठेगा पूरे इस उपचुनाव में। बेरोजगारी के अलावा ये भी मुद्दा उठेगा जो कि जो लोग अचानक 22 विधायक जो अचानक से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे तो उनकी विश्वसनीयता पर भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठाकर कोशिश करेगी कि उसका वोट खींचने की कोशिश करेगी। यहाँ पर जो मजदूरों के साथ जो परेशानी आई है अभी तक उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा उठाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे तमाम तीन से चार ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो कोरोना काल में देखने को मिले हैं, बेरोजगारी हो, मजदूर हो, या फिर किसी प्रकार का कोरोना के ऊपर अनकंट्रोल हो, ऐसा जो कि विपक्ष का आरोप है। हालांकि सरकार के दावे कुछ और हैं, सरकार का कहना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी है मध्य प्रदेश में, ना ही किसी प्रकार के मजदूरों को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा मजदूर मध्य प्रदेश में आए हैं जो सकुशल रहे और किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के दावे भी है, तो सरकार अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा, लेकिन ये 2 से 3 मुद्दे ऐसे हैं जो आगे में उपचुनाव में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबके बीच 27 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। शरद, क्या जानकारी मिल रही है, कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? देखिए भोपाल संभाग है, उज्जैन संभाग है, इसके अलावा रीवा के क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है, ऐसे 27 जिले जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इस तरह, क्योंकि निसर्ग हालांकि मध्य प्रदेश से सटकर निकल चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी गुंजाइश है कि आने वाले समय में जो बारिश है वो 1 से 2 दिनों में हो सकती है। इसमें जो 27 जिले हैं वहाँ पर बूंदाबांदी के साथ साथ तेज बारिश देखी जा सकती है, क्योंकि 20 जून केरल में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आ जाएगा, तो केरल के बाद फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, इसे करके तकरीबन 20 जून तक ये माना जा सकता है कि 20 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। तो जुलाई में जो एक अमूमन जो औसत बारिश होती है वो औसत बारिश पिछले साल की तुलना में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग का एक अलर्ट है, प्री जो प्रिडिक्शन है उस प्री प्रिडिक्शन के आधार पर उन्होंने 27 जिलों को ऑरेंज अलर्ट में जारी किया है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने भी तमाम तैयारियां कर रखी किसी प्रकार से भी कि यदि तेज बारिश होती है तो उससे कैसे बचा जाए, और इस प्रकार की जो अचानक प्राकृतिक आपदा होती है किसी भी क्षेत्र में तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए भी तैयारियां की। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये अहम जानकारी आप तक शरद व्यास हमारे संवाददाता पहुंचा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।